हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रजराज क्रिएशंस में, जहाँ मैं आजकल बालकनीज का मेकओवर कर रही हूँ। सो पहली बालकनी तो मैंने ऑलरेडी मेकओवर करके आपको दिखा दी कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। दूसरी बालकनी है जो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ कि कैसी है। हालांकि ये वाली बालकनी मेरी बहुत छोटी सी है, इसमें इन्वर्टर भी रखा हुआ है। इन्वर्टर पहले मेरा पूजा वाले कमरे में था, लेकिन किसी ने हमें बताया कि पूजा के कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या जो हीट रिलीज़ करती हो, ऐसी चीज़ें पूजा वाले कमरे में नहीं होनी चाहिए। सो मैंने फिर उसको यहाँ पर जो बालकनी है यहाँ पर शिफ्ट किया मैंने उसको। तो यहाँ पे अब छोटे छोटे गमले लगाए थे मैंने, लेकिन अब मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए मैंने हैंगिंग प्लांटर्स इसमें ज़्यादा लगाए हैं। और बाकी थोड़े बहुत जो हैं पौधे मैंने रख के अपना शौक पूरा किया है, क्योंकि मुझे पौधों का, पेड़ पौधों का बहुत शौक है। सो आई लाइक ग्रीनरी, मेरे घर में ग्रीनरी रहे। सो वो मैंने अपना एक शौक पूरा किया है अपने लिविंग रूम की और गेस्ट बेडरूम की बालकनीज को लेके। और जो मेरे रूम के साथ बालकनी है उसमें मैंने पूरा पूरा ये ध्यान रखा है कि उसमें मेरे हस्बैंड को एक प्रॉपर सिटिंग स्पेस चाहिए थी, और उनका था कि यहाँ सिटिंग स्पेस हो, यहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा। तो दोनों की चीज़ों को प्रॉपरली ध्यान रखते हुए कि मुझे प्लांट्स चाहिए और उनको नहीं चाहिए, तो किस तरीके से मैं चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। क्योंकि उस जगह में बैठ के, कभी कभी उस बालकनी में बैठ के, जैसे आजकल मैंने आपको बताया कि दिल्ली में ठंड बहुत हो रही है, तो उस बालकनी में बैठ के कभी कभी ऑफिस का काम भी करते हैं। सो वो जो सिटिंग स्पेस में बनाया है उसका भी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। वो पूरी पूरी जो है स्पेस मैंने उनके अकॉर्डिंग बनाई है, कैसे चीज़ें रखी हैं, क्या किया है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। वो तो वो वाली बालकनी तो हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो वाली बालकनी बहुत अच्छी बन गई है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी गेस्ट बेडरूम की बालकनी। और मेरे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप तुलसी मैया के दर्शन कराइए कि आपकी तुलसी जी कैसी हैं, कहाँ रखी हैं आपने, कैसे आप सेवा करती हैं उनकी, और सर्दियों में क्या क्या खास ख्याल में रखती हूँ। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में लिंक कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। सो आप इसी में देख सकते हैं कि तुलसी जी की मैं क्या एक्स्ट्रा केयर लेती हूँ सर्दियों में, जो कि नॉर्थ में हमें लेनी पड़ती है। बाकी जगह जहाँ जितनी ठंड नहीं पड़ती है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये बालकनी कैसी है, क्योंकि मैं इसका मेकओवर आपके साथ नहीं करने वाली हूँ, मैंने इसमें जो ऑलरेडी किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आइए चलिए देखते हैं। सो जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बालकनी जो है मेरी, ये बहुत ही छोटी सी है, बस यहाँ शुरू हुई यहाँ ख़त्म हो गई, बहुत छोटी सी बालकनी है। आई गेस 4x4 की है ये। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर भी सीजनल फ्लावर्स लगाए हुए हैं। सो यहाँ पर भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है, ये वाले जो हैं डायंथस हैं। सो ये डायंथस और डॉग फ्लावर्स इसी तरीके से अल्टरनेट करके मैंने यहाँ लगाया हुआ है, पूरा कॉर्नर से लगाया हुआ है इसको भी। ये डायंथस और डॉग फ्लावर का पूरा चलता आ रहा है। और एक मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। सो ये वाला डायंथस जैसे आप मेरा देख रहे हैं, ये वाला बाकी से अलग है, ये मल्टीपल पेटल्स का है, ये बाकी फ्लावर्स से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, मल्टीपल पेटल्स हैं। और ये वाले जो हैं ये ट्विन पेटल्स हैं, जो दूसरी तरफ मेरे रखे हुए हैं ट्विन पेटल या सिंगल पेटल। ये वाला जो डायंथस है ये सिंगल पेटल है, और ये वाला जो डायंथस है लाइट पिंक में, ये ट्विन पेटल है, इसमें दो पेटल्स आती हैं। सो इस तरीके से मैंने डॉग फ्लावर और डायंथस लगाया हुआ है। उसी तरीके से मैं आपको यहाँ कॉर्नर में नीचे ले आऊँ, तो ये जो हैं ये विंटर प्लांट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि विंटर वाले फ्लावर्स हैं ये, इनका नाम मुझे नहीं पता है। सो ये एक पॉट है, सिरामिक पॉट है येलो कलर की, जिसमें मैंने इसको रखा हुआ है। इसमें ये बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स थे, तो इसको मैंने तीन अलग डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स आते हैं, तीन डिफरेंट प्लांट्स को मैंने एक में डलवाया था, रेड पर्पल और ये लाइट पिंक था, लेकिन वो अब जैसे मुरझाने पे आ रहे हैं तो इनका कलर मैं देख रही हूँ चेंज हो जा रहा है। वैसे वो लाइट पिंक था, बट वो वैसे दिख रहे हैं, वाइट से दिख रहे हैं वो।
फिर यहाँ पे एक मेरा ही पेंट किया हुआ जो पॉट था जो मैंने आपको अपने लिविंग रूम की बालकनी में दिखाया था, उसमें मैंने एक तुलसी जी लगा दी हैं यहाँ पर। इनको भी मैं पूरी तरह से कवर कर दूँगी क्योंकि नॉर्थ साइड में सर्दियों में तुलसी जी को हमें कवर करके रखना होता है क्योंकि वो ओस नहीं झेल पाती हैं, तुलसी जी मुरझा जाती हैं। और उसी फिर यहाँ पे नीचे तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के ऊपर मैंने ये सब रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे आप आइए तो मेरा रियो का प्लांट लगा हुआ है, ये साइकिल वाला जो मेरा पॉट स्टैंड था ये उसमें है। तीन एक ही तरह के गमले हैं, ये तीन एक ही तरह के गमले हैं। एक तो पीछे वहाँ छुप रहा है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा वो, तो यहाँ पे पीछे है एक और गमला है वो। सो ये रियो का प्लांट लगा हुआ है, बहुत ही छोटा सा मैंने इसका जो है बिल्कुल सैपलिंग जैसा बोलते हैं ना, बहुत छोटा सा प्लांट लाके मैंने इसको लगाया था नर्सरी से और ये आज इतना अच्छे से ग्रो हो गया है। फिर यहाँ पे हैं मेरी तुलसी जी जो रेड कलर के दुपट्टे से मैंने ढकी हुई हैं। सो जो भी तुलसी की मंजरी ऊपर आ जाती है सूख जाती है, उनको पहले मैं तोड़ लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, और जो भी सूख जाती है वो मैं इसी में तुलसी के प्लांट में ही इसी तरीके से डाल देती हूँ, सो दैट फिर उससे एक नया प्लांट जो है वहाँ पर बन जाता है। और सुबह शाम तुलसी जी की पूजा होती है, सुबह जो है तुलसी जी का स्नान होता है प्रॉपर, जैसे पूजा करके उठती हूँ उसके बाद तुलसी जी का प्रॉपर स्नान होता है और उनके पास में दिया वगैरह जो भी है, सुबह में अगरबत्ती जलाती हूँ, शाम में दिया जलता है यहाँ पर। और इस तरीके से इस तरह की दुपट्टे से जो है पूरा कवर करके रखा जाता है तुलसी जी को सर्दियों में। ताकि इन पर ओस ना लगे, ओस पड़ने से तुलसी जी बिल्कुल मुरझा जाती हैं, तो इस तरीके से मैं इनको कवर करके रखती हूँ। फिर ये आ जाइए तो ये मेरा एक इंग्लिश रोज लगा हुआ है वाइट कलर में, तो ये जो है रोज का प्लांट है यहाँ पर, वाइट कलर का रोज है जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, ये अभी खिलेगा, इस तरीके से वाइट रोज है ये। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर, तो ये तो अभी बिल्कुल स्टैग्नेंट है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है अभी, ये सर्दियों में जो है ये बिल्कुल ही रुक जाती है इसकी ग्रोथ। ये है अपराजिता का पौधा है, तो ये जो इसमें जो फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं ब्लू कलर के, ये शंकर जी पे शिव जी पे चढ़ते हैं ये फूल, उनको बहुत प्रिय हैं ये फूल, तो अपराजिता का पौधा इसलिए मैंने घर में लगा रखा है शिव जी के लिए। इसके साथ ही मैंने ये मॉस्टिक इसमें अटैच की हुई है क्योंकि इसकी बेल बनती है, तो मैंने ही था कि इसी मॉस्टिक पे मैं इसकी बेल चला दूंगी, तो इसमें ही फूल खिलते रहेंगे प्रॉपरली आते रहेंगे। तो इस तरह से जो है मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से ही पौधे हैं, ये प्लास्टिक के स्टूल्स मेरे पास घर पर ही थे तो मैंने इनको यहाँ पे बालकनी में रख दिया। और जहाँ तुलसी जी हैं हमारी वहाँ पे मैंने नीचे टेराकोटा का स्टूल रखा है क्योंकि तुलसी जी के नीचे मैं प्लास्टिक का या इस तरह का कोई चीज़ यूज़ नहीं करना चाह रही थी, तो वहाँ पे मैंने टेराकोटा का स्टूल रखा हुआ है, पत्थर का जो स्टूल मिलता है वो। यहाँ पे कॉर्नर में हमारा साइकिल वाला प्लांटर और साथ ही ऊपर जो है हमारे इस तरह से रेलिंग प्लांटर्स लगे हुए हैं पूरी तरह से कॉर्नर तक, और यहाँ पे एक और तुलसी जी और ये विंटर प्लांट। तो ये है मेरे प्लांट्स का कलेक्शन इस बालकनी में। और एक छोटी सी टिप है मैं आप लोगों को दूँ, आपको अच्छी लगे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी प्लांट उस, अब जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा धूप तो मिल नहीं रही है प्लांट्स को, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं प्लांट्स की हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए, आप इसमें ये कर सकते हैं कि जब भी आप दाल चावल आपके घर में डेली बनता होगा तो जब आप चावल धोते हैं या दाल धोते हैं उसका जो पानी ड्रेन करते हैं धुलने के बाद का, वो एक छोटी बकेट में या छोटे बाउल में कलेक्ट कर लीजिए, उसको आप सारे प्लांट्स की लीव्स पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, रूट्स में डाल सकते हैं, सो दैट प्लांट्स की हेल्थ जो है वो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और उसको आप तुलसी जी में भी यूज़ कर सकते हैं, सॉइल नरिशमेंट के लिए होती हैं ये चीज़ें,
और सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक है, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये ट्राई कीजिए। और इसके अलावा अगर प्लांट से रिलेटेड आपके मन में और कोई क्वेश्चंस हैं या मेरी बालकनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, इस बालकनी में मेरा आना जाना बहुत कम होता है, इसीलिए मैंने तुलसी जी को भी बिल्कुल एक अलग बालकनी में रखा है, नॉर्थ डायरेक्शन में रखा है, क्योंकि तुलसी जी का जो है, तुलसी जी को रखने का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है, और इस बालकनी में मेरा आना जाना कम होता है, सो दैट कुछ ऐसे दिन जब तुलसी जी को हमें नहीं छूना है या उनके आसपास नहीं आना होता है, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जो मैं उनको रख सकती थी। सो यही है मेरी छोटी सी सेवा उनके लिए। और बाकी मैं मिलूँगी अपने जो मैंने अपने रूम की बालकनी का मेकओवर किया उसके साथ मैं जल्दी मिलूँगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। राधे राधे।